वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 27 मार्च 2022 इसी तारीख को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक सरफिरे युवक ने तमाचा मार दिया। ये तब हुआ जब वो बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्रिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। इसी दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर शंकर कुमार वर्मा उर्फ छोटू नाम के युवक ने नीतीश कुमार को थप्पड़ मार दिया। एक मुख्यमंत्री की थ्री लेयर की सुरक्षा को भेद कर युवक नीतीश कुमार तक सिर्फ एक मिनट में पहुंच गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा कितनी सख्त होती है, कितनी सख्त ट्रेनिंग के बाद ये सुरक्षा कर्मी तैयार होते हैं और इनकी सैलरी कितनी होती है वो सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि सीएम नीतीश कुमार पर इससे पहले कब कब हमले हुए हैं। ২০১৬ में नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक युवक ने चप्पल से उन पर हमला किया था। युवक सरकार के 9 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक चूल्हा नहीं जलाने और हवन नहीं करने के आदेश से नाराज था। 2018 में पटना में बापू सभागार में एक युवक ने सीएम को चप्पल फेंक कर मारने की कोशिश की थी। चप्पल मारने के बाद युवक आरक्षण के विरोध में नारेबाजी कर रहा था, हालांकि ये चप्पल नीतीश को नहीं लगी थी। 2018 में बक्सर के नंदर इलाके में कुछ लोगों ने सीएम नीतीश के काफिले पर पत्थर फेंके थे। हमले में नीतीश को तो बचा लिया गया था, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे लोग घायल हो गए थे। 2020 में मधुबनी में एक जनसभा में कुछ लोगों ने उनके ऊपर प्याज और कंकर पत्थर फेंके थे। ये युवक शराबबंदी के बाद हो रही तस्करी का विरोध कर रहे थे। अब सवाल ये आता है कि एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा कितनी टाइट होती है जिसे तोड़कर ये हमले किए गए हैं। जानकारी है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगभग 600 लोग रहते हैं। SSG यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप इसी के लिए होता है। इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है, तेज तर्रार युवाओं को ही इस ग्रुप में रखा जाता है। 1.5 से 2 महीने की ट्रेनिंग में सुरक्षा से जुड़ी हर बारीकियों को सिखाया जाता है। जब मुख्यमंत्री अपने आवास से किसी आयोजन के लिए निकलते हैं तो उनकी सिक्योरिटी में 40 से 50 लोग तैनात रहते हैं। उनकी सुरक्षा कई लेयर में होती है। इसमें BMP स्थानीय पुलिस के अलावा एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग ग्रुप के साथ ही CPT यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ग्रुप टीम भी शामिल होती है। CPT की टीम की बड़ी जवाबदेही मानी जाती है, क्योंकि इसी ग्रुप के लोग मुख्यमंत्री को हाथों से चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। लेकिन कई लेयर और इतनी सख्त सुरक्षा के बाद भी अगर कोई इंसान मुख्यमंत्री पर हमला करने की नियत से पहुंच जाता है तो सुरक्षा कर्मियों पर सवाल तो उठता ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाए गए जवानों को 40% वेतन ज्यादा इसीलिए दिया जाता है कि वो सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंधमारी को नाकाम कर सके, किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार रहे। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार की सुरक्षा का चक्र कई बार टूट चुका है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।